भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भविष्य में मुद्रास्फीति के उच्च बने रहने की आशंका है आरबीआई ने रेपो दर को पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत पर स्थिर रखा है वहीं 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है इसके साथ वर्ष में प्रतिशत स्लै इनकम एंड रिसेंट इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द फार्म सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ हायर फूड प्राइसेस द आउटलुक फॉर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम ब्रॉट इन फ्रॉम सेप्टेम्बर ट्वेंटी नाइनटीन शुड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन बिजनेसेस There is some evidence from unaudited balance sheets of listed firms that the corporate tax cut has bolstered their retained earnings which in turn is being plowed back into creation of fixed assets rather than into financial savings or cash holdings. Furthermore, the union budget envisages that capital outlay excluding defense would expand by 26.2% which could crowd in private investment. Overall gross fixed investment could rise and